हेलो गाइस, वेलकम टू मोहितार्ट गैलरी। हेयर मोहित। सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको अपनी क्वालिटी पे फोकस करना, जो भी आप वर्क कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, पोर्ट्रेट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, तो इस वीडियो में मैं आपको अपना एक ऐसा वर्क दिखाने जा रहा हूँ जिसको कि मैंने 15 डेज में किया और इस वर्क का साइज है 1.5 बाई 2 फिट। सो इस वर्क में कुछ ऐसा है कि इस वर्क को करने में आपको एक तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, जो हाइपरलिस्टिक वर्क करते हैं और जो हायर क्वालिटी के वर्क होते हैं ना, जिनमें काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग होती है, तो उस वर्क को करने में हमको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। हार्डवर्क तो ऑब्वियसली चाहिए और आपको उसके टेक्निक्स पता होने चाहिए, लेकिन मटीरियल इतना ज़्यादा मटीरियल मैटर करता है, बट उतना नहीं कि आप सोचो कि मेरे पास ये मटीरियल नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। सो ये देखो, ये जैसे कि ये देखो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि ये मैंने डॉग बनाया, इस डॉग को बनाने में मेरे को लगभग 15 डेज का टाइम लगा। सो आप वर्क को देख के लगा ही सकते हो कि कितना टाइम लगा हुआ और कितना ये डिटेलिंग। ये देखिए आप, ये देखिए, ये आप एक एक हेयर देखिए अच्छी तरह से, ये देखिए आप अच्छी तरह से देखिए इनके हेयर को देखिए आप अच्छी तरह से, एक एक हेयर बनाया हुआ है, ये देखिए अच्छी तरह से देखिए सारा देखिए। सो ऐसा है कि इस वर्क में मैंने मैक्सिमम तो चारकोल यूज़ किया है और ग्रेफाइट यूज़ किया, बट बिल्कुल मतलब मिनिमम ग्रेफाइट का यूज़ किया है, जैसे कि बैकग्राउंड पे मैंने थोड़ा ग्रेफाइट यूज़ किया है। यहाँ पे ये देखिए, जो ब्लर इफेक्ट किया ना मैंने, ये सारा ग्रेफाइट से किया है, और जो आप इनकी टंग देख सकते हो इस डॉग की, वो मैंने ग्रेफाइट से की है, बट इसमें थोड़ा सा चारकोल का भी यूज़ किया है और वाटर में भी चारकोल प्लस ग्रेफाइट का यूज़ किया है। ये देखिए जो भी ड्रॉपलेट्स हैं इसमें, तो मैंने चारकोल का यूज़ किया है, और जो टैप है ना, ये टैब में मैंने मैक्सिमम तो चारकोल यूज़ किया है, बट जो आपको लाइट दिख रहा होगा इसमें मैंने ग्रेफाइट यूज़ किया है, और यहाँ पे भी मैंने डार्क वाला जो हमारा उसका होता है ना, कॉन्टी पेरिस की पेंसिल होती है, मैं आपको मटेरियल सब बाद में दिखाऊंगा, पहले अब ये देखना, ये मैंने चारकोल का यूज़ किया है, जो पेंसिल होती है हमारी कॉन्टी पेरिस की, और यहाँ पे भी मैंने सब ये यहाँ पे मैंने सॉफ्ट चारकोल का यूज़ किया है, या ये वाला, ये सारा सॉफ्ट चारकोल का यूज़ है, और जो आप ये शेड देख रहे होगे ये पाउडर का यूज़ है, जो हमारा कैमलिन की स्टिक्स होती है उनका पाउडर मैंने करके यहाँ पे सारा पाउडर का यूज़ किया है। ये वाला सारा हेयर्स में भी ग्रेफाइट की 8B पेंसिल का यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे भी कॉन्टी पेरिस की पेंसिल का यूज़ किया, जो कि 2B ग्रेड की आती है, ये सारी नॉस पे, ये देखिए। और जो आप ये देख रहे हो ना, जो इसकी वो है मूछ कहते हैं जिसको, मूछ होती है उसकी, तो इसमें ये मैंने इरेजर से निकाली है सारी, जो आप वाइट हेयर देख रहे हो, ये देखो इसकी सारी वाइट है, देखो अच्छी तरह से, ये सारे इरेजर से बनाए हुए हैं, इसमें वाइट कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज़ किया, ये ओरिजिनल वाइट है जो हमारा शीट का वाइट होता है, इसमें हल्का सा ग्रेफाइट की पेंसिल के साथ निकाला हुआ है और इरेजर का यूज़ किया इसमें। ये देखिए सारा देखिए आप अच्छी तरह से, और आइस में भी मैंने सिर्फ चारकोल की यूज़ किया है, ये सारा चारकोल है जो इसमें आपको दिख रहा है, सारा चारकोल है, और जो आपको वाइट दिख रहा है ये इरेजर से निकाला हुआ है। एक्चुअली ये है कि मैं पेन इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, सो जो भी करता हूँ अपना ओरिजिनली करता हूँ, मतलब पेन तो मैं तकरीबन साइन के लिए यूज़ करता हूँ, या फिर हल्का फुल्का, मतलब बहुत ही रेयर चांस होता है। और ये देखिए आप अच्छी तरह से इनके ये चारकोल प्लस ये पाउडर यूज़ किया है, और उसके साथ ही मैंने पेंसिल का यूज़ किया, पहले लेयर लगा के उसके बाद ही मैंने पेंसिल का यूज़ किया यहाँ पे, और ये सारा डार्क चारकोल पाउडर है जो भी आपको ईयर में दिख रहा होगा, जो कि नीचे भी मैंने थोड़ा सा ब्लर सा कर दिया इसको, ईयर को, ये देखिए। सो वही है कि आपको पेशेंट से काम करना होता है, अगर आपको इस टाइप का काम करना था तो डेफिनेटली आपको पेशेंट्स की जरूरत पड़ती है, विदाउट पेशेंट्स ये काम बिल्कुल भी नहीं होता, जो कि मैंने एक्सपीरियंस भी हुआ, कई बार तो फेलियर्स बहुत आते हैं तभी ये बाद में काम हो पाते हैं, एक सक्सेस मिलती है जब ना, तभी ये ऐसे काम हो पाते हैं। सो वही है कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपने वर्क के ऊपर फोकस ज़्यादा कीजिए, सो इसी वर्क को देख के मेरे को बहुत सारे कमीशन वर्क भी मिले हैं, तो बस आप अपना काम करते रहिए, जो भी आपको डाउट होगा, कुछ मटेरियल के रिगार्डिंग डाउट होगा या कुछ भी तरह का डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इसी तरह बने रहिएगा, और कोई भी डाउट होगा कब भी कमेंट करिएगा, इंस्टा पे या फेसबुक पे DM कीजिएगा, और अगर कुछ भी आपको किसी को भी कई बार कोई कमीशन वर्क करवाना होता है तो आप डायरेक्ट, आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।